नमस्कार, इंडियन ऐप न्यूज में आपका स्वागत है। एक बाबा ने अजीबो गरीब से अपने खर्च से कराया गरीब लड़की की शादी। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में सुहा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा कुल्हड़िया उमरपुर दिए नरही जय बाबू राय बाबा ब्रह्म धाम पर हेमंत हरि ओम महाराज के द्वारा एक गरीब लड़की की अपने मंदिर में पूरे रीति रिवाज से शादी कराई गई। उस लड़की को पैसा गहना आदि व्यवस्था की गई। कहाँ कराने वाले हैं जी? आपकी शादी कहाँ हो रही है, किन के द्वारा की जा रही है? हमारी शादी हो रही है बाबा की तरफ से की जा रही है जी। किस स्थान पर, कहाँ पर हो रहा है? जय बाबू राय बाबा जी। लड़की कहाँ कराने वाले हैं? कलकत्ता बिहार के अंदर। क्या आपका नाम पड़ेगा? हरिओम जी महाराज जी। सुन लो, कोशिश में जति जी महाराज। जय बाबू राय बाबा जी। आज आपके द्वारा कैसा कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या है आज? आज जो है नरही कला की औधी श्राम कॉलेज का जी, और बिहार बिहार कटरा कला ग्रामन राम की लड़की, इन दोनों के बीच जी। तो ये सारा खर्चा आपके द्वारा किया जा रहा है? जी हाँ, मंदिर के द्वारा, हमारे द्वारा जी। मतलब मंदिर के द्वारा चाहे आपके द्वारा बतिया की है जी। कहाँ से सोच आई था आप एक कार्यक्रम करने के लिए? शादी की सोच आज नहीं, सदियों की रही है जी। आज नहीं, ये सोच सदियों की रही है, और हर गरीब परिवार के बीच कम से कम 5 साल 100 कम्बल और माँ की मौनी अमावस्या को 400 गंजियाँ चूड़ा दही खिला करके गरीबों के बीच हर साल बांटते हैं जी। तो क्या ये इस ये जो कार्यक्रम शादी वाला है ये आगे भी चलता रहेगा, खाली यही है? आगे भी चलेगा, शादी का प्रोग्राम आगे भी चलेगा, और निर्धन गरीब परिवार के लोगों को हरिओम जी महाराज सदा कोशिश करते रहेंगे कि नहीं एक दो बच्चियों की शादी जितनी हमारी क्षमता समर्थ। हाँ हाँ जी। तो शादी में क्या क्या दिया जा रहा है? शादी में जो है वस्त्र दिया जाता है, बच्चा बच्ची को वस्त्र दे रहे हैं, बारात की पूरा स्वागत की व्यवस्था है जी, तिलक में उपहार में बर्तन बासन जी, दावत का सामान है जी, बच्ची को और बच्चा को अंगूठी और सोने की ये जो है नाक का है उसको लोग क्या बोलते हैं वहाँ पर, नथनी नथिया नथिया की व्यवस्था जो है सारी अपना जी जी। नगद में कुछ दे रहे हैं? नगद में भी हम इसको कुछ दिए हैं, 21,000 रुपये दिए हैं। 21,000 आपने दिया है जी। ये क्या ये पहली शादी है, इससे पहले आपने कोई कराया आपने? नहीं, साधु होने के बाद जब मैं साधु हुआ, यहाँ आगे एक गांव है करंजा जी, दूजा करंजा, वहाँ टीका जी का ब्रह्मधाम है जी, उस मंदिर का मैंने जीर्णोद्धार किया, क्योंकि वो मंदिर जो है हमारे गुरुदेव को सुषमा जति की बनाई थी जी। इसके पीछे 1 किलोमीटर एक गांव दरियापुर, जहाँ की एक शंकर जी का भव्य मंदिर बनाया था जी। ये तीसरी व्यवस्था, और इसके आगे एक व्यवस्था जो है मिर्जापुर जी, भटौली घाट चपौर कला में हमारी पहली होती है जी, जी। तो गंगा के ही तट पर जी। ताब समाज की असहाय लोग सहायता भी अब करते आ रहे हैं जी। तो हम ये जानना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश है, और सरकार से क्या मांगे कुछ है? सरकार से मैं क्या मांगूँ, सरकार से मेरा कोई लेन देन नहीं जी। हमारी कमंडल और संसार के बीच हमारी भिक्षाटन जी, यही हमको जो है महान बनाएगी। सरकार से कहीं नहीं जाएंगे, मांगने के लिए सरकार अपनी व्यवस्था चला दे जी। आप एक ऐसे होकर आपने गरीब लोग की सहायता आप कर रहे हैं, शादी करा रहे हैं, वहीं देखा जा रहा कई संपन्न लोग जो हस्तियों में हैं इस लॉकडाउन में भी एक भोजन के तक व्यवस्था नहीं कर पाए
इस बात पर क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो भोजन तक नहीं दे सके, वो भोजन के लिए तड़पते रह गए? ये तो उन लोगों की मानसिकता और विचार की बात है। भोजन दे ना दे, संपन्न लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे? हम तो एक भिखारी एक संपन्न व्यक्ति के बीच क्या कहेगा? एक भिखारी एक संपन्न व्यक्ति के साथ जो है कुछ कहना, ये हमारे लिए शोभनीय है जी। अभी जो स्थिति कायम है कोरोना की, इस पर आपका कुछ विचार है? कोरोना कहीं संसार में है ही नहीं। इससे भी पहले बहुत कोरोना हुआ था, बहुत लोग देहांत हो गए, मर गए, गांव उजड़ जाता था। आज तो कहीं गांव थोड़ा ना उजड़ रहा है। ये सब हमको लगता है कि झूठी बात है, इसलिए कि हम तो बिहारी में रहते हैं जी। और यहाँ हमको न कोरोना है न टोरोना है, न हमको कोई रोग है न बिया है। ये प्रकृति की सुंदर हवा, माँ गंगा की चौदीसी लहरी, इसके बीच में कोरोना पाक नहीं। तो मैं कोरोना के बारे में क्या जी, इन जो जो लोग दो जो लोग शादी एक जो लोग हो रही है, इनके लिए क्या दुआ करेंगे, क्या इनके लिए कहेंगे? जो बच्चियों को आज शादी होने जा रही है, इन बच्चा और बच्चियों को यही अपने बाबू राय ब्रह्मधाम से कि जब लगी गंगा जमुन जलधारा चल रहे यही बात तुम्हारा, ये दाम्पत्य जीवन मधुमय हो, दोनों साथ चलें, संसार का निर्माण करें, जो होता है संसार में ये अंतिम इच्छा है।